हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इस वक्त होशियारिया के सेट पे और मेकअप रूम में हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और मेरा कहवा आ चुका है। इस कहवे के अंदर हैं जी इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बताती हूँ, जरा प्लीज ये मेरे कहवे का कलर दिखा दें, थैंक यू। और इसके इंग्रेडिएंट्स में है जी दालचीनी, लौंग, इलायची और बहुत सारे मसाले। सिर्फ इसमें बोटी डालेंगे तो सालन तैयार हो जाएगा और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दो तीन दिन से बुखार है, गला ख़राब है एंड आई एम वर्किंग एंड आई एम पुशिंग माई सेल्फ। मैंने छुट्टी नहीं की, देखे मेरी डेडिकेशन, क्योंकि आप लोगों को शो में मेरा होना बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत स्पेशल डे है, उसकी रीज़न ये है कि मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली हूँ और मैं बहुत देर से इसको रिजिस्ट करी थी कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, लेकिन थैंक गॉड आरजू मोटिवेटेड मी, आरजू मेरे साथ स्टैंड अप कॉमेडी करी और आज का शो आपको देखकर बहुत मजा आएगा। आरजू के पास भी चलते हैं और देखते हैं कि उसकी तैयारी पूरी है। लो भाई जी, आरजू मुझे मिल रही है और मिल रही है, मिल गई है, मेरी हो गई है। आरजू मुझे मिल गई है, ऐसी स्टैंड अप कॉमेडी में हमारे साथ नहीं करना। अच्छा, आरजू मुझे मिल गई है और हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं आज। और मैंने आपको बताया कि आरजू ने मुझे मोटिवेट किया है कि भाई तुम कर सकती हो और हम करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएगी। हमने इन सबको 100-100 रुपए भी दिए हमारे जोक्स पे हंसने के लिए। तुम तैयार हो ना? मैं बिल्कुल। आज हमने आवाज आपकी बजा देनी है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मैम, कुछ मीडिया पे बातें चल रही हैं कि आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, लगती बिल्कुल बहुत भी नहीं है। बनती है कौन ये, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई ये लड़की। बच्चे में रहती है तो खुद को समझती क्या है, ब्लडी 2 रुपीस पी ब्ला। मेरी लाइन है, मुझे मार रही है। सही क्या किसी सियाने, दो औरतें दो लड़कियां ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। अच्छा वैसे तो आप भी औरत ही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, हम ये कह रहे थे आज तक ये बात मैंने नहीं की और मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एक्सप्रेस नहीं की। आज तक की मेरी 16 साल की जिंदगी में मुझे कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली कि जिसको मैंने अपना दिल दिया हो, जिसके लिए मैंने इतना फील किया हो। यू आर द वन एंड आई रियली रियली लाइक यू, यू नो। अच्छा गाइस, जो बातें आगे होने वाली हैं वो दिखाई नहीं जा सकती। माशाल्लाह, एक बच्ची की माँ है ये, हरकतें आप इनकी देख लें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, मुझे ये बंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद, पीछे पीछे मेरे आते रहती है ये। मैं तो रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट में नहीं थी कि जी मैं इसके साथ स्टैंड अप कॉमेडी करे। इर्ज़ा के साथ स्टैंड अप कॉमेडी है, बनता ही नहीं है यार, बनता ही नहीं है। वो पक्की मिरासन है, मैं मिरासन हूँ ही नहीं, कैसे बन सकता है, जोड़ ही नहीं है कोई। तो ऐसा है कि जी हम लोग आज आपके लिए ढोलकी पेश करेंगे। अच्छा, हमने PSL का एक एंथम बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम अपने नाजरीन को वो सुनाते हैं, आप ढोलकी बजाएं। लेकिन चलें ठीक है, मैं बता रही हूं, आप ढोलकी बजाएं जी। मैं शुरू करती हूँ, आप पीछे पीछे साथ साथ मेरे हम नवा की तरह, ठीक है? चलें शुरू करें। फारिस शफी, आसिम अजहर, शे गिल का एंथम आ रहा है, फसलम, सारे जीरो, टिल लगा लें, इसको आप बीट नहीं कर सकते। चाहत फतेह अली खान, चाहत फतेह अली खान ने जो कर छोड़ा है ना, सबको फता दे दिया उसने, फता, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये विकी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्लॉग में? सबसे पहले तो आप मेरे व्लॉग वालों को हाय बोलें और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि जाहिर है कि आपको तो बहुत लोग नहीं जानते, तो नजर भी नहीं आ रहे और ये नजर भी नहीं आ रहे मेरा ख्याल है। नहीं, असल में आपकी आंखों के आगे ढोलकी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कश्मीर जी मिट्टी और इर्ज़ा के भी लोग, आपको पता है सर, और आज ये जनाब करने जा रही है स्टैंड अप कॉमेडी, दोनों हमारी कॉमेडी किंगीज, किंगीज के क्वींस, कॉमेडी किंगीज। ये नया इन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, ये जल्दी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, कॉमेडी किंगीज। और इनका जो यार जनाब आज का सेगमेंट देखने वाला होगा, आई होप कि ये बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि दोनों माशाल्लाह टैलेंटेड हैं,
कमाल किस्म की, इन्होंने तो खैर हमारी तारीफ नहीं करनी होती लेकिन हमारी मजबूरी है कि पैसे लेते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा सा सीरियस भी इसमें बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो स्टैंड अप कॉमेडी की है गोगा जी ने और अजीम विकी साहब ने, बेस्ट अब तक जितने स्टैंड अप कॉमेडी के सेगमेंट्स हुए ना, दिस वन वाज द बेस्ट, द बेस्ट सच्ची में। अब पैसे निकाले, वो जो आपने कहा था कि तारीफ करोगी तो पैसे दूंगा। और नहीं, आज का सेगमेंट होने के बाद, और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे भी अच्छा होगा। ठीक है ना, अच्छा हुआ ना, चितर पढ़ने हैं। हाँ, बता रही सही बात है, हमने बता दिया आपको कि अगर आप हमारी बातों पे नहीं हंसे तो फिर आगे जो है ना हमेशा आपका काम हम खराब करेंगे। और मैं भी नहीं हंसूंगी आइंदा, मैं तो गंदा समूह बना के बैठ जाऊंगी जैसे अजीम साहब को जुगत करने लगे होंगे ना। ना बरह ना करें, ठीक है जी, जरूरत भी नहीं है। चलो जी, आज भी होता है जी, आज मुकाबला, हाँ जी, आज मुलाकात होती है फिर स्टैंड अप कॉमेडी के सेट में।